ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कोई कलई खुली नहीं खुल गई, आपकी कलई खुल गई, आपसे क्या कहूँ। विशेष कृत्य उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु यह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ, यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो यथा कथित अवधूत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया और आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उदित हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रही हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण वच सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है सत्गुण समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदा शिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कलप के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छवास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसीलिए तीनों लोक में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देवता तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ, वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक हो लोक में कभी कष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनके पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहां से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सदा पवित्र होते हैं। जैसे कि आपने कहा, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों से स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महात्मा सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता धर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पारब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बृहस्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ
शिव की निंदा करता है उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिव द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, शिव देवी का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तो तू जैसा कहता है वो वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो, सतपुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैंने शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वसल्य सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करना मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उदित हुआ तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहते हैं। वह केवल शिव की निंदा ही करेगा, जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उसकी निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वो शिव की निंदा करने वाले को स्वार्थवध करें, यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण वह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग है। किसी तरह से इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अनर्थ जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षर स्वरूप में प्रकट हो प्रिया पार्वती को हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेह नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक भी क्षण युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुथिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सवजन के आधार पर क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे कोई दूसरी नहीं दिखाई देती। मैं स्वर्था तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्वी तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि प्रिशम फल प्राप्त हो जाने पे प्राणी को पहले वाला सारा शम नष्ट हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।